शहरवासियों पर कृपा बरसाने निकले माधव के रथ की डोर भक्तों के हाथ में थी। भक्त की मर्जी पर भगवान चल रहे थे, साथ में ढोल नगाड़े, शंख मंजीरे और हरि नाम संकीर्तन। दर्शन को लाखों भक्त जहां तहां पूजा पंडाल, लंगर, स्वागत द्वार और जगत पालक पर फूलों की वर्षा और दिव्य भोग कर चढ़ावा चढ़ाया गया। दुर्गा माता मंदिर से दोपहर लगभग 2 बजे शुरू होकर रथ यात्रा फवारा चौक, घुमार मंडी, आरती चौक और फिरोजपुर रोड पर होती हुई निकली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा मंत्रों को रॉकिंग बनाकर प्रस्तुत किया गया। रथ यात्रा का काफ़ी समय तो असं जोड़े ने इंतजार कर रहे थे और लगभग 10 साल तो असं लगातार जोड़े रथ यात्रा मना रहे हैं और एक बहुत अच्छा उत्सव है जोड़ा कि सबनों धार्मिक संस्था के नाल जोड़ता है और ये एक बहुत अच्छा जोड़ा उपलब्ध किया जाता है और असं रल मिल के सारे वकील भरा जोड़े है इनू मनाने हैं और लोगों के बीच इनू समर्थ लेके जाने हैं। बस मैं कहना चाहूँगा मेरे कृष्ण जी इतों मेरे घरों बाहर निकलते पे ने तो मैं पूरी सेवा नाल उन्हां दा स्वागत कर सकता। बस इस करके मैं हर साल लंगर पूरे धूमधाम नाल लाना आइसक्रीम का आइसक्रीम मिलक बदाम सब कुछ। कृष्ण बलराम यात्रा का बहुत भव्या स्वागत किया गया, बहुत पब्लिक आई हुई है, सानू इस यात्रा का स्वागत करके बहुत खुशी महसूस होती है। बोलो जय जय पंजाब की जय। वृंदावन का नज़ारा बनया हुआ है जी लुधियाने के, मैं कहना हर साल लोग इंतजार करते हैं कि ये बार बार देखने को दिन आवे, असं बड़ी बेसब्री ने इस चीज़ दिन का इंतजार कर रहे जी, अज साड़ी मनोकामना पूरी हुई है। जय जय श्री राधे। लंगर मैं कहना पुछो ना व्यंजना का कोई अंत ही है नहीं, जगह 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 हर तरह का समान थोड़ा खाने मिलेगा।